हाँ जी बेटा, आज जो है मैं मैट्रिसेस का करूंगी रिकॉल सारा। ओके, एमसीक्यूज करते हैं मैट्रिसेस पर बेस्ड, ठीक है बेटा। मेरे पास जो है मैट्रिसेस में से आपको पता है कि इनवर्स वाला टॉपिक कट गया है, एलिमेंट्री रो एंड ट्रांसफॉर्मेशन वाला वो डिलीटेड है। तो मेरे पास जो है पहला क्वेश्चन जो मैट्रिसेस में से बनता है वो यही है कि अगर मेरे पास ये x इंटू 2x 3, 2x और 2 इंटू मेरे पास जो है 8 5x 4, 4x इज ट्वाइस टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 8 24, 10 और 6x, ये इक्वल दिया है और फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स अगर आपको कहा है। तो बेटा क्या करेंगे, ये मैट्रिसेस है, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए। तो दैट मीन्स यहाँ से अगर करूँ तो 2x² + 16 इज इक्वल टू 2x² + 16, ये तो बराबर ही है, यहाँ से तो कोई वैल्यू निकलेगी नहीं। अगला अगर मैं देखूँ तो मेरे पास 3x + 8 = 20, तो 3x इज इक्वल टू मेरे पास हो गए 12 और x इज इक्वल टू 4 मेरे पास हो गए। बट दूसरे भी वेरीफाई जरूर किया करो, कई बार कहीं से दो आंसर्स आ रहे होंगे तो कॉमन आंसर वाला सोल्यूशन होगा एमसीक्यू, तो आपने सारे चेक करने होते हैं। यहाँ से x² 8x = 12x, तो देखिए x² 8x = 12x, तो x² = मेरे पास क्या आया 4x, एक x 0 आ गया, एक x 4 आ गया, तो 4 कॉमन है ना, वही वाला सोल्यूशन, ठीक है बेटा, क्लियर। नाउ कम टू नेक्स्ट बेटा, मेरे पास जो है अब बेटा ऑर्डर पर बेस्ड एक क्वेश्चन पक्का बनता ही बनता है, ऑर्डर पर बेस्ड। अब ऑर्डर पर बेस्ड मेरे पास हो गए P एंड Q। मेरे पास अगर दो डिफरेंट मैट्रिसेस हैं ऑफ ऑर्डर 3 x n एंड n x p मेरे पास, देन द ऑर्डर ऑफ P x Q, ये P का है ये क्यू का है, ऑब्वियस है जब पी क्रॉस क्यू करना है मेरे पास, मतलब मल्टीप्लाई करना है, तो बेटा ये एन एन चला गया, इसका ऑर्डर क्या आएगा 3 x p, वेरी इजी। नाउ नेक्स्ट बेटा मेरे पास जो है अगर ये मैट्रिसेस सिमेट्रिकल है, देखिए सेकंड क्वेश्चन है इफ द मैट्रिक्स मेरे पास हो गए 4 2x - 3 x + 2 x + 1 इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इफ दिस इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स मेरे पास हो, एक्स की वैल्यू करो। सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए क्या होता है, वेरी गुड, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, अगर ये ए है मेरे पास, इफ दिस इज ए, तो बेटा ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए लगाना है। अब इसका ट्रांसपोज ले, जब इसका ट्रांसपोज ले रहे हैं तो हमारे पास 4 2x - 3 x + 2 और x + 1, ये तो ऐसे ही रहना है ना। अब ये दोनों इक्वल होने चाहिए, अगर ये इक्वल होने चाहिए इसका मतलब 2x - 3 x + 2 के इक्वल होना चाहिए, तो यहां से वैल्यू निकालो x = 5। ओके बेटा क्लियर, मैं ऑप्शंस नहीं लिख रही हूँ, सॉल्व करके वो आंसर बता रही, ठीक है बेटा जी, क्लियर। नाउ कम टू नेक्स्ट बेटा, मेरे पास हो गए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। मेरे पास हो गए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है, इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स मेरे पास हो है, अगर एक ए स्क्वायर मैट्रिक्स है सच दैट ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए, देन बेटा 2 + a पावर 3 - 19 a, इसकी वैल्यू क्या, हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी।
हाँ जी बेटा, अब इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? हाँ जी, हाउ टू स्टार्ट दिस क्वेश्चन? हाँ जी कनुबा, कनुबा बेटा हाउ टू स्टार्ट दिस क्वेश्चन? अनम्यूट योर सेल्फ कनुबा, कैसे यस मैम, स्टार्ट करें बेटा? निकालना एनी अदर स्टार्ट? क्या हमने इसकी वैल्यू निकालनी है। इफ ए इज अ स्क्वेयर मैट्रिक्स एंड ए स्क्वेयर इज इक्वल टू ए, फाइंड दिस। हाँ है? ए स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ए स्क्वायर टू ए प्लस ए द होल क्यूब की पहले वैल्यू निकाल लेंगे। बिल्कुल जी, अगर इसको ओपन करें तो ए क्यूब मेरे पास हो गए। अब बेटा यहां पर जब मैं कर रही हूँ प्लस, अब यहाँ पर जब आप निकालोगे ना बेटा, देखो यहाँ पर मिस्टेक है। बेसिकली मेरे पास अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर जो है अकेला टू लिखा है, ए इज अ मैट्रिक्स, तो ये गलत मतलब मेंशन किया हुआ है यहाँ पर, क्योंकि टू अकेला एक मैट्रिक्स में ऐड नहीं होता है। तो यहाँ अपने आप मेरे पास जो है आई लग जाती है। ओके क्लियर? तो अगर मैं यहां पर देखूं, ए क्यूब 8 और आई, आई का क्यूब आई रहता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस मेरे पास है 3ab इंटू ए प्लस बी -19। अब अगर ए स्क्वायर ए के इक्वल है, ए क्यूब दोनों तरफ ए से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या हो गया, ए स्क्वायर, वो भी ए के इक्वल आ गए, क्योंकि ए स्क्वायर किसके इक्वल है, ए के। तो बेटा यहाँ पर वैल्यूज पुट कीजिए, 8i ए क्यूब किसके इक्वल है, ए के, 6a क्योंकि i इंटू ए होता है, तो 2i प्लस मेरे पास ए -19a, इसको भी ओपन कर लो, तो 8i प्लस ए मेरे पास हो गए 12a, और जब मैं यहां पर करूंगी तो बेटा ए स्केयर हुआ, और ए स्केयर किसके इक्वल है, ए के, तो 6a के इक्वल हुआ -19a, ए स्केयर के इक्वल हुआ ना, क्या क्या 6 बेटा, ए इंटू आई ए ही रह गया ना, 6 to the 12 ए आई ए ही होता है ना, मैं सीधा ही सॉल्व कर रही हूँ। अब मेरे पास ये 60 12 13, 13 प्लस 6 19, ये सारे कट गए और आंसर कितना आया, 8i। ओके बेटा क्लियर? मेरे पास तो है नेक्स्ट, देखिए ये स्टेटमेंट गलत दी हुई थी बुक में, उन्होंने अकेला टू दिया हुआ है, दैट इज रॉन्ग, क्योंकि एक नंबर एक मैट्रिसेस में नहीं ऐड होता, मैट्रिसेस में मैट्रिसेस ही ऐड होती है, तो यहाँ 2i देना चाहिए था। ओके चलिए बेटा नेक्स्ट देखिए, मेरे पास व्हाट इज रिटन इन द क्वेश्चन फोर्थ बेटा, मेरे पास हाँ जी क्वेश्चन फोर्थ में, इफ 1 2 2 1 xy इज इक्वल टू 5 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई। चलिए बेटा कौन बताएगा, हु विल टेल मी हाउ टू सॉल्व दिस? हाँ जी दिव्यालीन, अनम्यूट योर सेल्फ दिव्यालीन, लक्षित यस मैम, कैसे सॉल्व कर सकते हैं बेटा इसको? मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों मैट्रिसेस बिल्कुल, को इक्वेशंस बनाएंगे दो बराबर। मेरे पास, तो यस क्योंकि एमसीक्यू टाइप है हमें टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, तो एक्स प्लस 2y इक्वल टू 5, 2x प्लस y इक्वल टू 4, मुझे y की निकालनी है, तो x की वैल्यू यहाँ पुट करो, 5 माइनस 2y प्लस y इक्वल टू 4, तो मेरे पास क्या बना, 10 माइनस 4y प्लस y इक्वल टू 4,
तो माइनस थ्री वाई इक्वल टू माइनस सिक्स, तो y सॉरी, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, टू। ओके बेटा, क्वाइट इजी सम्स, ठीक है जी। अब मेन क्वेश्चन जो छोटे छोटे हैं उनमें डिटरमिनेंट मैट्रिसेस के क्वेश्चन में गलती करते हो। मैंने अभी आपको मैट्रिसेस का क्वेश्चन करवाया और मैंने बताया कि अगर दो मैट्रिसेस इक्वल होती है ना तो उनमें कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट, मान लीजिए मेरे पास व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, एक्स इज इक्वल टू टू वाई। बट अगर यही क्वेश्चन ऐसे होता देन पहले डिटरमिनेंट ओपन करना है, इक्वेट नहीं करना, यानी इन दैट केस आप इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, मतलब 12 माइनस 5x दैट इज इक्वल टू 12 माइनस 10y। चाहे इस केस में वो सेम आ जाए, हमें कोई टेंशन नहीं, बट डिटरमिनेंट में यहां डिफरेंट हो सकता था, तब तो सेम नहीं ना आता। लेकिन मैट्रिसेस में यहां पर सेम सेम ही रहे। ओके, क्लियर, सबको बात समझ आ गई बेटा, ठीक है जी। नाउ जो कुछ और प्रॉपर्टीज हैं डिटरमिनेंट की वो भी बताना चाहती हूं। जैसे मान लीजिए अगर के टाइम्स ए है, के टाइम्स ए है मेरे पास, तो बेटा हमेशा उतना के बार निकलता है जितना ऑर्डर होता है, दैट इज के की पावर एन मेरे पास जो है साथ में मेरे पास क्या लग जाता है, दैट इज डिटरमिनेंट ऑफ ए, ठीक है बेटा। अगर मेरे पास जो है एडजॉइंट ऑफ ए मैंने कैलकुलेट करना है, या ए इनटू एडजॉइंट ए, ये सारी प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए ताकि आप लोग जो है डिटरमिनेंट के कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड कर सको। तो वो सारे रूल्स मैं आपको बताने लगी हूँ। मेरे पास जो है देखो, मैंने यहां पर कोई डिटरमिनेंट नहीं डाला, कुछ नहीं डाला ना, एक होता है मेरे पास इसका डिटरमिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। जब एडजॉइंट इंटू एडजॉइंट ए लगाना है तो इसकी होती है डिटरमिनेंट ए की पावर एन माइनस टू, ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू आ गई, इंटू ए। एमसीक्यू बेस्ड ऐसे क्वेश्चन बहुत बनते, लेकिन अगर यहां पर ए इंटू एडजॉइंट ए है तो इसका सीधा आंसर मेरे पास आता है एडजॉइंट जो है डिटरमिनेंट की पावर टू, ए इंटू एडजॉइंट ए डिटरमिनेंट निकालना है, डिटरमिनेंट ए की पावर एन माइनस वन पावर टू। ओके बेटा, अगर अकेला एडजॉइंट होता तो वो सिंपल डिटरमिनेंट ए की पावर एन माइनस वन। ओके बेटा, क्लियर। अच्छा फिर अगर ए कोई नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस है ना, नॉन सिंगुलर का मतलब डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो, तो आपने अगर इनवर्स की डिटरमिनेंट निकालना है तो वो सिंपल वन बाय डिटरमिनेंट। ये छोटे छोटे फॉर्मूले आपको क्वेश्चन को इवैल्यूएट करने में यूजफुल होंगे बेटा। ओके, क्लियर। ये सारे मैंने डिटरमिनेंट के, जैसे मान लीजिए आपको अगर कहा गया ए बी इनवर्स का डिटरमिनेंट निकाल दो, क्या होगा,
डिटरमिनेंट में प्रोडक्ट को सेपरेट कर सकते हैं प्रोवाइडेड ए एंड बी आर नॉन सिंगुलर, कुछ भी चेंज कर सकते हैं हम यहाँ। ठीक है जी, क्लियर। चलिए अब मैंने ऑलमोस्ट सारे ये मुझे लगता है कि मैंने कवर कर दिया है, मैं क्वेश्चन करवाती हूँ तब आपको ज्यादा क्लैरिटी होगी। चलिए लेट अस सी, जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर थ्री, अगर ए स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर थ्री और डिटरमिनेंट ऑफ ए 4 है तो मुझे बताइए मेरे पास आंसर क्या होगा। What will be the answer for this? हाँ जी बिल्कुल जी, अगर ऑर्डर 3 है और मैंने जो है वैल्यू निकालनी है माइनस इसके, ये निकालना। अब मैंने आपको बताया कि हम इसमें क्या करेंगे, 2 माइनस 2 की पावर 3, क्योंकि ऑर्डर क्या था 3 इंटू डिटर्मिनेंट ए, ये कितना हुआ 8 नेगेटिव साइन इंटू 4 आंसर माइनस 30, क्योंकि डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू 4 नहीं थी। ठीक है जी, क्लियर। नाउ कम टू नेक्स्ट बेटा, अब जरा ध्यान से, इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, पहले मुझे दे दिया ऑर्डर 2, डिटर्मिनेंट ए इज 4, वैल्यू ऑफ 2 इंटू ए डैश, वेयर ए डैश जो है वो मेरे पास क्या है, ट्रांसपोज है ए का, तो मुझे इसकी वैल्यू बताइए कि कितनी होगी, जल्दी बताइए। ऑर्डर मुझे दिया हुआ है, ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स इज 2, हाँ जी क्या करते, कांस्टेंट बाहर आ सकते हैं, जितना ऑर्डर है कितना ऑर्डर है 2 की पावर 2, अब ये दोनों अंदर है गए मेरे पास, अब जब ये अंदर है प्रोडक्ट में अलग अलग कर सकते हैं, डिटर्मिनेंट ए भी किसके इक्वल होता है, डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट बी, तो यहाँ डिटर्मिनेंट ए इंटू ए डैश, बेटा डिटर्मिनेंट चाहे ए का ले लो या ए डैश का ले लो वैल्यू सेम ही होती है, तो 4 यहां पर भी 4 यहां पर भी 4, 64 इज द आंसर। समझ आ गई बेटा, क्लियर, कोई डाउट तो नहीं। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन देखिए मेरे पास जो है, मैट्रिसेस में हो सकता है कि कुछ ऐसी क्वेश्चंस हो जो आए एमसीक्यू फॉर्म में बट कैलकुलेटिव ज्यादा, तो वो करनी ही पड़ती है, उसमें कोई ट्रिक नहीं होता मेरे पास। ठीक है, तो उसके लिए मेरे पास क्या क्वेश्चन है देखिए, इफ ए मेरे पास हो गए वो 1 2 2 2 1 x माइनस 2 2 माइनस 1 सेटिस्फाइंग दिस फाइंड x, तो यहां मुझे करना ही पड़ेगा सॉल्व, कीजिए फटाफट, ऑल ऑफ यू डू इट एंड टेल मी द आंसर, जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई करके मुझे सारे बच्चे जो है एक करके दिखाएं। चलिए अब देखिए मेरे पास जो है ए डैश निकाले, चेंजेस रोज टू कॉलम एंड कॉलम्स टू रोज मेरे पास, अब ए डैश और ए को मल्टीप्लाई करना है, यानी इसी के साथ मैं ए डैश यहां पर ए इंटू ए डैश, तो मेरे पास 1 2 माइनस 2
1 2 2 2x-1 इसको क्या करूंगी, मल्टीप्लाई करूंगी। तो जब मैं मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे पास क्या आएगा बेटा, दैट इज क्या बनाते थे मल्टीप्लाई में, 7 बनाते थे। 7 के लिए इसको उठाया 1 1 2, तो बेटा 1 into 1 1 plus 2 plus 4। अब आगे करूंगी 2 plus 1 plus 2x, आगे करूंगी -2 plus 2 minus 2, नेक्स्ट 2 2x उठाएंगे, हाँ जी, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 2 4 2x, नेक्स्ट 4 2x2, नेक्स्ट बेटा -4 plus 4 minus x मेरे पास जो है। नेक्स्ट कॉलम उठाया, रोज पे रखा -2 2 और -1, तो मेरे पास क्या आ गया बेटा -4 plus 4 minus 2, नेक्स्ट -4 plus 2 minus x, नेक्स्ट 4 plus 4 plus 1 मेरे पास। तो आप सॉल्व कीजिए, व्हाट यू गेट हियर, मेरे पास 7 3 plus 2x 2, हाँ जी 6 plus 2x 6 plus x square minus x minus 2 minus 2 minus x और 9। अब ये किसके इक्वल उसने बोला है, 9x के 9i के इक्वल बोला है। तो मेरे पास i क्या होता है, 1 1 1, ये 0 0, इसका मतलब कोई ना कोई कैलकुलेटिव मिस्टेक है यहाँ पर, क्योंकि 9 यहाँ ठीक है, यहाँ पर भी 100% 9 होना चाहिए था। देखिए अगर 9 नहीं आ रहा, ये इसके इक्वल ही नहीं हो सकता। अब ये देखिए ना, दैट मीन स्टेटमेंट में हमारे पास कोई मिस्टेक होगी। 1 1 मेरे पास -2 2 1 2 2 1, अगर मैं ट्रांसपोज लू तो मैंने सारा सही लिया हुआ है, मेरे पास 2 लिख लो, गलती अपने आप पकड़ी गई ना, कि कोई ना कोई मिस्टेक हमने की है। क्योंकि देखो अगर 9i बनना था तो बेटा यहाँ पर 9 बनना चाहिए था, यहाँ 9 बन रहा है, यहाँ नहीं बन रहा, तो मतलब कोई ना कोई मिस्टेक हुई हमारे, यानी फर्स्ट रो में अगर देखूं तो ये 9 बन गया, पहली में ही गलती हुई है। 1 2 और ये 2 था, 1 4 plus 4 9, अगला करूंगी तो 2 plus 2, मिडल वाले में ही गलती हुई है, और यहाँ 4, तो अपने आप यहाँ पर मेरे पास हो गए 4 plus 2x, और यहाँ पर 4 बनना चाहिए, और तो कहीं ये जाएगा ही है ना। अब इक्वेट करके आप वैल्यूज निकाल लो बेटा यहाँ से, और सब में से इक्वेट करोगे तो x की वैल्यू 2 भी आ सकती है, कोई 0 कोई कुछ ऐसे, जैसे यहाँ पर आ रही है मेरे पास हो गए, एक आ रही है x is equal to 2, एक आ रही है x is equal to -2, तो इसमें से कोई एक ही एक्सेप्ट होगी, ये एक में से निकली क्वाड्रेटिक में से जब मैंने इक्वेट किया, ठीक है, तो वो रिजेक्ट, जो कॉमन सोल्यूशन है सिर्फ वही एक्सेप्टेबल, ठीक है बेटा, क्लियर। नाउ कम टू नेक्स्ट बेटा, ऐसे ही मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं सिर्फ हिंट दूंगी बेटा, कैलकुलेशंस नहीं करेंगे हम लोग। उसमें क्या दिया हुआ है कि अगर एक मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी, मेरे पास ये दिया हुआ है, हाँ जी, स्क्यू सिमेट्री में क्या करना है, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू -a करो। जब आप करोगे ए ट्रांसपोज क्या होगा, 0 2 b, a 0 1 -3 -1 0,
हाँ जी माइनस ए, यानी अंदर सारे एलिमेंट्स के साथ नेगेटिव लगा दो, मल्टीप्लाई कर दो माइनस वन से, तो माइनस टू जीरो मेरे पास हो गए। अब क्या होगा, प्लस वन माइनस बी माइनस वन जीरो। अब इक्वेट करो मेरे पास, देखो इन दोनों को इक्वेट करो, कि बी की वैल्यू थ्री आई, यहां से भी बी थ्री आई, ठीक है। ए को करोगे, ए की वैल्यू टू और जो गए ए, बिल्कुल जी माइनस टू, और इधर से भी ए की वैल्यू माइनस टू ही आ रही, यानी सेम सेम ही आ रही है, तो एक्सेप्टेबल है, ठीक है बेटा, क्लियर। नाउ बेटा मेरे पास जो गए नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं, इक्वेशंस वाले ही हैं, आपको वो पता होना चाहिए। अब बेटा जो क्वेश्चन है आपकी एनसीईआरटी में ही है हमारे पास, अगर कोई मैट्रिक्स का ऑर्डर दिया हुआ है हमारे पास, मान लीजिए ऑर्डर दिया टू क्रॉस थ्री, और मुझे कहा है नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर टू क्रॉस थ्री विद ईच एंट्री वन और टू, हर एंट्री हम या वन फिल कर सकते हैं या टू, तो उसने कहा कि कितनी पॉसिबल मैट्रिसेस की बन सकती हैं। देखो बेटा हम हर एंट्री को कितने वे से सिलेक्ट कर सकते हैं, टू वे से। अगर टू क्रॉस थ्री मैट्रिक्स है, इसका मतलब टू रोज थ्री कॉलम, इसको मैं टू वे से, इसको भी टू वे से, इसको भी टू वे से, सेम गेयर, और कितनी पोजीशन फिल करनी है, सिक्स, क्योंकि टू थ्री दस सिक्स ही पोजीशन होगी, तो दैट मीन्स टू की पावर सिक्स इज द आंसर, ओके, टू की पावर सिक्स इज द आंसर। अब बेटा नेक्स्ट जो मेरे पास जो है क्वेश्चन इस पर बेस्ड, मैट्रिसेस पर बेस्ड क्वेश्चन, अगर उसने कहा ए बी इज इक्वल टू, ये आपके एग्जाम्पलर के ट्रू फॉल्स क्वेश्चन में से है, एमसीक्यू बना हुआ, ए बी इज इक्वल टू ए, बी ए इज इक्वल टू बी, वेयर ए एंड बी आर द टू मैट्रिसेस, तो उसने कहा कि क्या ट्रू होगा, बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए, देन सेकेंड बी स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू बी, ए स्क्वायर इक्वल टू ए, थर्ड ए स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू ए, बी स्क्वायर इक्वल टू बी, दोनों ही इक्वल नहीं। ऐसे क्वेश्चंस में हमें कैलकुलेट करके ही देखना पड़ेगा बेटा, वी नीड टू कैलकुलेट, ओके। फॉर दैट बेटा हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्रूफ करने की कोशिश करेंगे। अब इसके लिए देखिए ए बी इज इक्वल टू ए, दोनों तरफ मैं क्या करूं, ए स्क्वायर से ए से मल्टीप्लाई कर दो, जब मैंने ए से मल्टीप्लाई किया ए स्क्वायर, ए कोई बेनिफिट नहीं होगा मुझे, बी से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, बी ए इंटू बी, बी ए बी ए किसके इक्वल है, बी के, बी एज इट इज, बी ए किसके इक्वल है, बी के, तो बी स्क्वायर बी के इक्वल है, यानी अगर ए बी है तो बी से मैंने मल्टीप्लाई किया, अगला बी ए है ना, तो क्या करो मेरे पास हो गए ए से मल्टीप्लाई करो, किया, अब मैं ए बी को इकट्ठा कर सकती हूँ, ए को एज इट इज, इधर भी ए बी को, ए बी किसके इक्वल है, ए के,
ए इंटू ए स्क्वायर, और ए भी किसके इक्वल है, यानी कौन सी ऑप्शन ट्रू हो गई फर्स्ट। ऐसे में कोई हिट एंड ट्रायल नहीं होता, हमें निकाल के ही देखना पड़ता। ठीक है बेटा, क्लियर, चलूं आगे। चलिए बेटा, मेरे पास हो गए नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, इस क्वेश्चन में देखिए मेरे पास क्या है, कई बार जनरल पावर आ जाती है मेरे पास। जनरल पावर कैसे, देखिए उसने कहा कि अगर ए की वैल्यू 1001 है, तो उसने कहा ए की पावर 4n कैलकुलेट कीजिए। ए की पावर 4n, पता क्या मतलब है, 4 से अगर मैं कैलकुलेट करूं तो 4n, इसका मतलब अगर मेरे को 4 पावर तो चाहिए ही, पावर की पावर होगी ना, तो ए की पावर 4 निकाल लो, क्या पता वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए या नल मैट्रिक्स आ जाए। तो आपको पता है आइडेंटिटी या नल मैट्रिक्स में जितनी मर्जी पावर करते जाए, आंसर विल रिमेन सेम। ओके जी, क्लियर। ओके बेटा, गुड बाय एंड टेक केयर।